नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। झुंझुनू जेल में कल दिन भर चली जांच के बाद देर रात को कोतवाली में 5 बंदियों के खिलाफ झुंझुनू जेल डीएसपी ने अवैध रूप से मोबाइल रखने का मामला दर्ज करवा दिया है। इससे पहले कल जेल की 12 घंटे के दरमियान जयपुर जेल निदेशालय से आई विशेष टीम ने 2 बार चेकिंग की और 14 मोबाइल बंदियों के पास से जब्त किए हैं। इस मामले में जेल उपाधीक्षक मोइनुद्दीन पठान ने कोतवाली में 2 अलग अलग मामले दर्ज करवाए हैं। मजे की बात है कि इनमें से 7 मोबाइल तो 5 बंदियों के पास मिले हैं, तो 7 मोबाइल लावारिस हालत में मिले हैं। इन 5 बंदियों में हरियाणा का हार्डकोर अपराधी संदीप उर्फ शेट्टी तथा बिसाऊ थाने का हिस्ट्री शीटर मनदीप उर्फ मदिया भी शामिल है। शेष 3 आरोपियों में भी 2 मर्डर के तो 1 आरोपी रेप के मामले में जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात को करीब 11 बजे जयपुर जेल निदेशालय की टीम के करीब 30-40 सदस्य डीएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने आते ही जेल में बैरकों की जांच करना शुरू किया तो उनके सामने एक के बाद एक कर मोबाइल सामने आते रहे। 5 बंदियों के पास से 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। कल रात्रि में जयपुर कारागार विभाग की टीम आई थी, उसकी इमदाद में यहाँ जिला कारागृह में छापेमारी की गई थी। इसमें छापेमारी में करीब 14 फोन बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और अनुसंधान जारी है। 7 फोन तो उनके पास मिले हैं, आरोपियों के पास मिले हैं। 7 फोन लावारिस हालत में मिले हैं। उनके लावारिस जो फोन मिले हैं वो किसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे थे, ये जांच का विषय है। पंचायत समिति मांडल की ग्राम पंचायत लेसवा में हुए विकास कार्यों का मांडल के लाडले विधायक व राजस्थान सरकार के सरकारी मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने लोकार्पण किया। वहीं नए विकास कार्य करवाने के लिए शिलान्यास भी किया गया। गुर्जर के निजी सचिव देवीलाल गुर्जर ने बताया कि लेसवा ग्राम पंचायत में 76,50,000 की लागत से निर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया व नए कार्यों के लिए शिलान्यास भी किया गया। लोकार्पण में बागौर भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल आचार्य, स्थानीय सरपंच श्रीमती रानी शर्मा, करण शर्मा, गोविंद एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। झुंझुनू के फूटला बाजार में एक दुकान के सामने ऑटो रिक्शा खड़े करने पर विवाद हो गया। इस दौरान झगड़ा होने पर बीच बचाव में आए पार्षद इकबाल जाजोदिया से भी मारपीट हो गई। घटना के बाद आक्रोशित दुकानदारों ने 2 घंटे तक दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। दरअसल शहर के फूटला बाजार चौराहे के निकट एक कपड़े की दुकान के सामने ऑटो रिक्शा खड़े करने पर विवाद हो गया। इस पर कपड़ा व्यापारी मजीद व जावेद के बीच कहासुनी हो गई। लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया। कुछ देर बाद युवक वहां आए और मजीद से मारपीट करने लगे। वहीं अपनी दुकान पर बैठे पार्षद इकबाल जाजोदिया झगड़ा होते देख बीच बचाव के लिए आए तो युवकों ने उनसे भी मारपीट कर दी। झगड़े में दोनों पक्षों के 3-4 लोगों को चोटें आई हैं। सूचना पर कोतवाली थाने से एएसआई यूसुफ अली मौके पर पहुंचे। मारपीट की घटना से नाराज दुकानदार व अन्य लोग कोतवाली थाने पहुंचे और दोषी युवकों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। दुकानदारों ने करीब 2 घंटे तक दुकानें बंद रखकर घटना का विरोध जताया। इसके बाद मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें पार्षद बीच बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरमचरा उपखंड क्षेत्र के गांव सुरारी कला के पास पार्वती नदी पर अवैध रूप से लाल रेत की निकासी करने की सूचना पर सरमचरा तहसीलदार गिरधर लाल मीणा एवं हलका पटवारी मान सिंह मीणा सहित कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा 5 ट्रैक्टर एवं 1 जेसीबी मशीन मौके पर अवैध खनन कर रही थी। तहसीलदार को देख मौके से ड्राइवर फरार हो गए, जिसकी सूचना सरमचरा तहसीलदार ने सरमचरा थाना पुलिस को दी। थाना प्रभारी गजानन चौधरी ने मैं जाप्ते के मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की। वहां पर 2 ट्रैक्टर में लाल रेत भरी थी, बकाया 3 ट्रैक्टर खाली मिले, जिनको जब्त कर सरमचरा थाने में लाकर कार्यवाही की गई। मौके से ट्रैक्टर चालक एवं जेसीबी चालक फरार हो गए। इसकी सूचना खनिज विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
रूपवास कस्बे में 2 अप्रैल को दलित समाज के लोगों के द्वारा किए गए उपद्रव प्रदर्शन तोड़फोड़ व सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वाले विशेष समुदाय के 67 नामजद व 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार दूसरे दिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की समझाइश के बाद दोपहर करीब 2 बजे खुला। SC ST एक्ट में बदलाव को लेकर किए गए प्रदर्शन में कस्बे कई दुकानदारों व आम इंसानों को काफी तोड़फोड़ और अभद्रता का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते व्यापारियों ने सर्व समाज ने 2 दिन से बाजार बंद कर रखा था और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सर्व समाज द्वारा धरना दिया जा रहा था। सुनवाई में लेट लतीफी को देखते हुए सर्व समाज ने आज दूसरे दिन महापंचायत का ऐलान किया था, जो कि क्षेत्र के गांव पुराम लोनीन में एकत्रित की गई थी, जिसमें आसपास के गांव सर्व समाज के हजारों लोग एकत्रित हुए व दलितों द्वारा किए गए कृत्य की निंदा की। करीब 3 घंटे चली महापंचायत ने रूपवास के लिए कूच किया, जिसकी भनक प्रशासन को लगी, जिसके चलते हनुमान तिराहे पर चले धरने पर उपखंड अधिकारी परशुराम मीणा व CO हिमांशु शर्मा मय जाप्ता पहुंचे व सर्व समाज को समझाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी व सर्व समाज के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर अड़े रहे। झालावाड़ जिले के डग में राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में कई दिनों से एक्सरे मशीन फिल्म एवं केमिकल के अभाव में बंद पड़ी हुई है, जिससे हड्डी एवं दुर्घटना घायल के रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डग से 60 किलोमीटर दूर एक्सरे के लिए भवानी मंडी एवं मध्य प्रदेश के आगर उज्जैन जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक एवं समय का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चिकित्सालय प्रशासन का समस्या की ओर ध्यान नहीं होने से राज्य सरकार योजना बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना नाकार साबित हो रहा है। इस बारे में चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर त्रिलोक शर्मा का कहना है कि एक्सरे मशीन फिल्म एवं केमिकल नहीं होने से बंद थी, जल्द ही 1-2 दिनों में शुरू करवा दी जाएगी। 2 अप्रैल को भारत बंद को लेकर पोखरण में की गई विशेष चर्चा। CO ने बताया कि किसी भी समाज या पार्टी द्वारा इस तरह का कोई कार्यक्रम या आंदोलन किया जाए तो पहले पुलिस प्रशासन को लिखित में अर्जी देकर अनुमति ली जाए और कार्यक्रम शांति से किया जाए। कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की हिंसा व किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर किसी जाति विशेष या समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट नहीं भेजे, नहीं तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। फेसबुक पर वायरल हुए अंबेडकर फोटो की आगे हनुमान जी के फोटो पर दलित समाज द्वारा थूकना व जूते मारने का भी मामला गरमाया है। दलित समाज द्वारा सामान्य समाज के लिए आपत्तिजनक नारा तिलक तराजू तलवार को जूते मारो बार बार इस नारे को गलत बताया गया। इस दौरान सामान्य समाज के CIG सदस्य भड़क उठे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS अफसर इंदु कुमार भूषण को अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कि कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया है। राजस्थान में एक IPS अफसर को कंपल्सरी रिटायरमेंट का संभवतया यह पहला मामला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। इन दोनों प्रदेशों के बाद राजस्थान देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां IPS अफसर को जबरन सेवानिवृत्त किया गया हो। ज्ञात होगी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान कैडर के 21 अफसरों के परफॉर्मेंस का आकलन किया था, इसके बाद जबरन सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी किया गया है। बाकी 20 IPS अफसरों का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया, इनकी सेवाएं बनी रहेंगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदु कुमार भूषण हमेशा विवादों में रहने वाले अधिकारी हैं। इंदु कुमार भूषण को विवादों में रहने के कारण राज्य सरकार ने पिछले दिनों APO कर दिया था। उनके खिलाफ शास्त्री नगर और वैशाली नगर थानों में 3 केस दर्ज हैं। ADG इंदु कुमार भूषण 1989 बैच की IPS हैं। वो मूलतः बिहारी निवासी हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेशन 2017-18 के लिए UG-PG एग्जाम चल रहे हैं। वहीं सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर 2017 के रिजल्ट पर नजर डाली जाए तो RU प्रशासन ने 70 में से 84 नंबर तक दे दिए। ऐसा ही हुआ MBA स्टूडेंट के साथ, जिसको फुल मार्क्स में से ज्यादा अंक दे दिए गए हैं। RU प्रशासन ने रिजल्ट जारी कर उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। संबंधित स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ अन्य लोगों ने उसे देखा और डाउनलोड किया, तब उन्हें गड़बड़ी का पता चला।
जन्मदिन, सालगिरह, किसी भी तरह के समारोह या किसी फिल्म की शूटिंग के लिए अब आप मेट्रो ट्रेन बुक करा सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन पर भी आप समारोह आयोजित कर सकते हैं। राजस्थान में जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसके लिए एक नई नीति तैयार की है। इसके तहत अब मेट्रो ट्रेन और मेट्रो स्टेशन को किराए पर देने की तैयारी है। हालांकि इसकी इजाजत कार्य अवधि के बाद ही मिलेगी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।